नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। निलंबन की लड़ाई अब माफी तक आई। मॉनसून सत्र के दौरान हंगामे को लेकर 12 सांसद निलंबित हुए तो उसका असर शीत सत्र में दिखा। एक दिन पहले 12 सांसदों के निलंबन का निर्णय हुआ। आज विपक्ष ने राज्यसभा में निर्णय पलटने की मांग उठा दी। साथ ही ये भी कह दिया कि माफी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बारह सांसदों के निलंबन पर आमने सामने सरकार विपक्ष। निलंबन की लड़ाई अब माफी तक आई। सर, वन मिनट। एज वेल एज द नेशन, द राज्यसभा इज ए कंटिन्यूइंग इंस्टीट्यूशन। शीत सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। निलंबन के खिलाफ सरकार पर हल्ला बोल, जिसका अंदेशा था वही हुआ। आज दूसरे दिन राज्यसभा फिर हंगामे की गवाह बना। विपक्षी सांसदों ने फिर से नारेबाजी की, लेकिन इस बार सरकार की नीतियों फैसलों के विरोध में नहीं। मुद्दा था 12 सांसदों के निलंबन का। निलंबन का पूरा मामला क्या है? क्यों अलग अलग पार्टियों के 12 सांसद निलंबित किए गए हैं? आखिर उनका क्या गुनाह था? इस पर बात करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में जो कुछ हुआ वो भी देख लीजिए। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। कल उपसभापति ने 12 सांसदों को निलंबित करने का फैसला सुनाया था। आज कांग्रेस ने राज्यसभा में मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये नियमों को ताक पर रखकर किया गया। Yesterday on adoption of motion moved by the Minister of Parliamentary Affairs, the moving of the motion and its adoption is a gross violation of rules of procedure regarding suspension of members provided under Rule 256. At the time the minister was moving the motion, I sought to raise a point of order under the provisions of Rule 258 of the Rules of Procedure. As per the well-established conventions, every member who seeks to raise a point of order has to be permitted by the chair to raise the point of order. Furthermore, when the leader of opposition is seeking to raise a point of order, they have to be allowed to raise the same. I was, however, not allowed to raise my point of order. To revoke it, and it has been... मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगा चुके थे। अब सुनने की बारी विपक्ष की थी। वेंकैया नायडू ने भी नियमों का हवाला दिया, फिर कहा कि सांसदों का निलंबन पूरी तरह नियमों के तहत हुआ। As well as the nation, राज्यसभा is a continuing institution, and the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered 256, 259, 266, even other residuary powers also. Chairman can take action, and also the House can take action. विपक्ष निलंबन के फैसले को चैलेंज करता रहा, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने भी उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाने में देर नहीं की। वेंकैया ने सबूतों का जिक्र किया, विपक्ष को उस तारीख की याद दिलाई, उन तस्वीरों को दोबारा दिखाने की बात कही और समझा दिया कि सांसदों ने गलती की है, सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। What happened yesterday is not chairman taking action, it is the house after a resolution is moved that has taken action, and also the no, please hear me. Even about these members, 10th August, go through the records. If you want, I will ask that to be released again. 10th, we have named members. वेंकैया नायडू ने सख्त लहजे में नहीं का मतलब विपक्ष को समझाया। बात समझ नहीं आई तो पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। वेंकैया नायडू पर विपक्ष के आरोपों को लेकर सरकार ने पलटवार किया है। सदन चाहता है
कि सब हमारे माननीय सदस्य भाई बहन आए, सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले, वो माफी मांगे जो गलत काम, गलती किसी से भी हो सकती है। जब गलती होती है तो बड़प्पन इसी में कि आप उस गलती का एहसास करते हुए क्षमा मांग सकते हैं। और आगे कैसे नहीं होगा इसकी एक सर्वदलीय चर्चा हो सकती है, चेयर के साथ हो सकती है, हमारे आपस में हो सकती है। अब बात माफी की है। सरकार कह रही है कि जिन सांसदों ने लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया उन्हें देश से माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन विपक्ष भी अपनी जिद पर अड़ा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जिन लोगों ने किया था उन लोगों के बारे में एक्शन लेने के लिए हमने एक प्रस्ताव मुंह किया। तब भी हम उनको कहा आप सभी को ये कहिए वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला इस यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है, एक जी। दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है जी। वो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खुलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है। निलंबन के फैसले ने सरकार बनाम विपक्ष में तल्खी बढ़ा दी है। सवाल है कि आखिर कब तक संसद की कार्यवाही ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ती रहेगी। दिल्ली से पॉली मिसाहा, सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर आज उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंथन किया और इस सब के बाद भी हंगामे और राजनीति का यह ड्रामा संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह होता रहा। विपक्ष गुस्से में है, सवाल मोदी सरकार से है। क्यों हुआ 12 सांसदों का निलंबन, अब विपक्षी दल एक पथ पर है। एक आवाज में बस एक ही मांग हो रही है, सांसदों का निलंबन रद्द हो। जो घटना लास्ट सदन में, लास्ट सेशन में हुआ था, फिर उसको उठाकर फिर से लोगों को सदस्यों को सस्पेंड करना ये गैर कानूनी है। हम लोग चाहते हैं जो 12 आदमी को, लेडीज और जेंट्स को जो सस्पेंशन कर दिया गया हाउस में इलीगल वे, इसको उठाना पड़े। आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने बैठक की। फैसला किया गया कि निलंबित सांसद माफी नहीं मांगेंगे। राज्यसभा में वो धमक दिखी, कांग्रेस और अन्य दलों ने अपना गुस्सा दिखाया, निलंबन के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई, फिर लोकसभा और राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के साथ एनसीपी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, आरजेडी और आम आदमी पार्टी सांसद गांधी प्रतिमा के पास पहुंच गए। वहां सरकार की नीतियों और तौर तरीकों पर सवाल उठाते हुए खूब नारेबाजी की, 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की। सदन में कोई सामंत प्रभु तो नहीं है, ये कोई राजा और प्रजा का तो पार्टी नहीं है, ये देश प्रजातांत्रिक है और ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ा पंचायत, महापंचायत कहिए, ये सदन है। यहाँ कोई जमींदार ये राजा नहीं है कि हम बात बात में इनको पैर पकड़े और माफी मांगे। ये माफी मांगने का क्यों, ये जबरदस्ती क्यों माफी मांगने चाहते हैं, क्योंकि इनके हाथ में शंका है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक तरीके की बाहुबली सियासत हो रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से दहशत है,
ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर तैयारियां तेज कर दी। मुंबई में बीएमसी का दावा है कि अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा दी गई। हमारे संवाददाता ने बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल से बातचीत की है। कमिश्नर आयस चहल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। सर, कदम सारे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेवलर्स अगर आप देखें तो मुंबई में कुछ दिनों में ही 1000 लोग सिर्फ साउथ अफ्रीका से आए हैं, 12 कंट्रीज ऑफ कंसर्न हैं। तो ऐसे में क्या अगर इंटरनेशनल ट्रेवल शुरू रहता है और बाकी चीजें एक्टिविटीज बढ़ रही हैं तो मुंबई के लिए इस वेरिएंट को लेकर खतरा बढ़ता दिख रहा है? हमें 27 नवम्बर को केंद्र सरकार ने अलर्ट किया था कि ओमिक्रॉन का जो नया वेरियंट है कोरोना वायरस का, वो कुछ देशों में पाया गया है। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोट्सवाना, हांगकांग और कुछ देशों में 13 देश हो गए हैं। तो उसके बैकग्राउंड में इमीडिएटली हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल उद्धव बाला ठाकरे सर ने संडे को छुट्टी के दिन एक डिटेल मीटिंग ली विद ऑल म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, सभी कलेक्टर्स, सीनियर सिविल ऑफिसर, सिविल सर्वेंट्स और सारे पुलिस ऑफिसर्स, और वहां पर उन्होंने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि जो रिस्क कंट्रीज से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाए होटल्स में या हमारे कोविड सेंटर्स में। उसमें से अगर कोई पाया जाता है कोविड पॉजिटिव तो उसका जिनोम स्टडी किया जाए और पता लगाया जाए कि उसमें ओमिक्रॉन वेरियंट है या नहीं है। इसके अलावा जो नॉन रिस्क कंट्रीज से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, उनका आरटीपीसीआर किया जाए, उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए एडवाइस किया जाए। तो ये पहले स्टेप्स हैं। उसके अलावा उन्होंने हमें ये भी आदेश दिए हैं कि जो 11 नवंबर से लेके ये 27-28 नवंबर तक करीबन 1126 लोग हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।